हेलो दोस्तों, मैं हूं शाकिर। आ गया हूं एक और नए दिन में एक और नए प्रोडक्ट के साथ। आज एक प्रोडक्ट नहीं, आज दो प्रोडक्ट है। आज हम इन दोनों प्रोडक्ट की करेंगे डिटेल रिव्यू और करेंगे इनका कंपैरिजन। ये है सूर्या का प्रोडक्ट, ये है बजाज का प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट जो है वाटर इंस्टेंट हीटर है, दोनों इंस्टेंट हीटर है। ये 3 लीटर का है, ये 5 लीटर का है। आपको कौन सा आपके घर के लिए यूज करना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा आपको चूज करना चाहिए, क्या क्यों चूज करना चाहिए, क्या फीचर्स इन दोनों के, क्या कंपेयर कर सकते हैं, ये आपके लिए बेटर रहेगा या ये आपके लिए बेटर रहेगा, जो भी डिटेल है मैं आज सारी इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है आपको सबसे पहले मिल जाए। सो बिना किसी देर के चलिए करते हैं इन प्रोडक्ट की डिटेल कंपैरिजन और साथ ही बताऊंगा कि ये आपको कितने प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है और क्या इसके प्राइस में डिफरेंस आपको मिलने वाला है। सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यहाँ तक वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो चलिए करते हैं डिटेल रिव्यू स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बजाज के बारे में। ये आपको 3 लीटर की कैपेसिटी के साथ मिलता है। इसके अंदर ये पूरी शॉक प्रूफ, इसके अंदर आपको बॉडी देखने को मिलेगी। कंपनी इसकी 5 साल की वारंटी आपको क्लेम करती है कंप्लीट। इसके अंदर जो टैंक आपको देखने को मिलता है उसकी 5 साल की आपको इसकी कंप्लीट वारंटी मिलेगी। और सूर्या का जो आपको ये पूरा प्रोडक्ट देखने को मिलता है ये 5 लीटर का है, लेकिन इसकी जो कंपनी पूरी क्लेम करती है 6 साल की वारंटी कंपनी इसकी क्लेम करती है पूरी इसके अंदर के टैंक की। इसके अंदर 6 साल की आपको वारंटी मिलती है, इसमें आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिलेगी। लेकिन इन दोनों में जो सिमिलर पार्ट है वो है इसका हीटिंग टैंक। इसके अंदर जो हीटिंग है, मतलब हीटिंग से मतलब मेरा आपको बताने का मतलब ये कि इसके अंदर जो पानी गर्म करेगा हीटिंग एलिमेंट, इसके अंदर भी जो भी हीटिंग एलिमेंट है, दोनों कंपनी 3-3 साल की वारंटी आपको प्रोवाइड करती है मार्केट के अंदर। अगर आपका 3 साल के अंदर कुछ भी इशू होता है तो कंपनी आपको इसके रिप्लेसमेंट करके देती है या फिर जो भी रिपेयर करना होता है वो सारी चीजें कंपनी अपने हिसाब से करके देखती है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है या फिर इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है दोनों की 2-2 साल की कंप्लीट वारंटी आपको देखने को मिलेगी। दोनों के यहाँ पर आपको सर्विस सेंटर के नंबर आपको प्रोडक्ट पर मेंशन मिल जाते हैं। सो वहाँ पर आप जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इश्यू होता है तो। सो इसके अलावा चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। ये जो वाटर हीटर है इसके अंदर आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, दोनों के अंदर यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। इसका आपको थोड़ा स्लिक डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, इसकी थोड़ी आउटलुक मतलब आपकी इसकी जो डिजाइन है आपको थोड़ी कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगी। ये 3 लीटर के अंदर काफी ज्यादा आपको कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर आपकी साइज कम है, अगर आपका जो इंस्टेंट वाटर हीटर चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट वाटर हीटर उन्हीं लोगों को चाहिए होता है जो जिनको जल्दी पानी गर्म करके जाना होता है, जैसे कि अगर ऑफिस वाले पर्सन है वो वेट नहीं कर सकते कि पानी गर्म होगा देन वो टैंक बाद लेके फिर जाना चाहे, तो इंस्टेंट वाटर हीटर उन्हीं लोगों के लिए होता है जो सिंगल पर्सन अगर आप कहीं दे रहा है या फिर अगर आप उसके लिए रहना चाहते हैं, तो उसी वजह से आप ये दोनों यूज कर सकते हैं इंस्टेंट वाटर हीटर। सो बजाज का जो इंस्टेंट वाटर हीटर और सूर्या का जो इंस्टेंट वाटर हीटर है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके कितना स्पेस है, उसी हिसाब से आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 3 लीटर ही सफिशियंट है या मुझे 5 लीटर ही सफिशियंट है, लेकिन उसमें आपकी जो साइज है इसकी साइज आपको कॉम्पैक्ट देखने को मिलती है और इसकी साइज आपको थोड़ी सी बजाज के कंपेरिजन में थोड़ी बड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि इसके अंदर 5 लीटर का कैपेसिटी टैंक आपको मिल रहा है गर्म पानी के लिए। तो दोनों आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे कौन सा फिट करना है वो आप उसे अपने हिसाब से लगा सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको जो इंडिकेशन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पानी और लाइट कनेक्टिंग दोनों का अलग अलग इंडिकेशन देखने को मिलता है, अलग अलग आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको दोनों के इनलेट आउटलेट, दोनों आपको पानी के इनलेट आउटलेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक तरफ गर्म पानी के लिए मिलता है, एक तरफ ठंडे पानी के लिए, जो भी आप इसका नॉर्मल पानी इसके अंदर इनलेट जाएगा, साथ ही जो गर्म पानी आउटलेट आता है वो आपको यहाँ पे दोनों देख सकते हैं। रेड और ग्रीन का सिंबल आपको अगर आपने कभी गीजर यूज किया था आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसका जो मेन फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सूर्या का गीजर है ये आपको 82 से 90 PSI के बीच में आपको ये इसका प्रेशर हैंडल कर सकता है। साथ ही ये जो बजाज का गीजर है ये 80 PSI तक आपको प्रेशर हैंडल कर सकता है। PSI से मतलब होता है कि जब अभी जैसे आप नॉर्मल शहरों के अंदर रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं तो वहां पर हमारी जो बिल्डिंग होती है 2, 3 या 4 फ्लोर मैक्स 4 फ्लोर होते हैं, इसके अलावा इसके ऊपर हाइट नहीं जाती। लेकिन क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर जो 15, 16, 17, 20, 22, 25 फ्लोर की जो बिल्डिंग से होती तो वहां पर जो PSI काफी ज्यादा मैटर करती है गीजर के अंदर की आपका जो पानी है वो गीजर के अंदर जा रहा है या नहीं जा पा रहा है, तो उसी PSI के ऊपर ये गीजर वर्क करते हैं। ये आपको 12 फ्लोर तक की आपको कैपेसिटी देता है कि 12 फ्लोर की अगर आप हाइट पर इसको आप यूज करते हैं तो ये अच्छे से वर्क करेगा। ये 13 या 14 फ्लोर तक आपको यूज कर सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के PSI के अंदर, लेकिन क्या है कि फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये सारी ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बता दी है। सो दोस्तों, दोनों के अंदर आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन घर पे आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इंस्टॉलेशन के अंदर इसको आपके जो इनलेट और आउटलेट के लिए पाइप है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है।
एक लिमिट के बाद में अगर आपको इसके अलावा लंबी पाइप चाहिए तो आपको मार्केट से परचेस ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो इसका आउटपुट कनेक्टिंग केबल है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक केबल है, दोनों के अंदर 1100 वॉट की कैपेसिटी की आपको इसके अंदर कनेक्टिंग वायर मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको स्विच नहीं मिलेगा, मार्केट से परचेस करना पड़ेगा अगर आपको इसके अंदर कनेक्ट करना है तो, या फिर किसी के डायरेक्ट प्लग इन होता है तो डायरेक्ट प्लग इन भी कर सकता है किसी की फिटिंग, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट फिटिंग होती है तो उस हिसाब से कंपनी यहाँ पे प्लग इन नहीं देती है। इसके अलावा इन दोनों के अंदर जो भी सिमिलरिटीज थी मैंने आपको बता दी, डिफरेंस सिर्फ यही है कि 3 लीटर का है, ये 5 लीटर का है। इसके अलावा इसके अंदर जो आपको 3 KV का इनपुट मिलता है, इसमें भी आपको 3 KV का इनपुट देना पड़ेगा, दोनों में सेम इनपुट देना पड़ता है, 3 kW का इनपुट देना पड़ेगा तभी आपके इंस्टेंट वाटर हीटर आपको वर्क करेगा। इसके अलावा काफी डिफरेंस नहीं है, मैंने जो भी डिफरेंस थे सारे कवर कर चुका हूँ। तो मेक श्योर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी, अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी या फिर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगी तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक के आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इनको परचेस करना है तो इनकी परचेस लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।